अन्य विविध कार्यों में मृतक व्यक्तियों की संपत्ति की व्यवस्था करना, कोई मर गया जिसने किसी तरह का विल ना छोड़ा हो और उसके परिवार में आगे पीछे कोई क्लेमेंट्स भी ना हो, तो ऐसी स्थिति में उसके धन का क्या होगा? उस पर भी न्यायपालिका कार्रवाई कर सकती है, अवयस्कों के संरक्षकों की नियुक्ति कर सकती है, कोई माइनर हो जिन्होंने अपने माँ बाप खो दिया है या माँ बाप को लेकर कुछ समस्या है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे छोटे अवयस्क लोगों के लिए संरक्षकों की व्यवस्था करने का काम भी माननीय न्यायालय करता है। वसीयत नामों का पंजीकरण, इस कार्यों को करने के अतिरिक्त अपने अधीन कर्मचारियों की नियुक्ति करना, सेवा शर्तों का निर्धारण करना और उनकी पदोन्नति करना, उनकी पदच्युति भी करना, ये सारे कार्य सर्वोच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र में आते हैं। अपने अधीन कर्मचारियों की सेवा शर्तें अर्थात एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी इसके तहत आता है। आप यदि सर्वोच्च न्यायालय भारत की न्यायपालिका को देखें तो भारत की न्यायपालिका एक तरीके से पिरामिड की तरह है। सबसे उच्च ऊपर सर्वोच्च न्यायालय एक ही है, उसके बाद 25 उच्च न्यायालय हैं। हर राज्य में, लगभग हर राज्य में की राजधानी में एक एक उच्च न्यायालय है और कुछ राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय है, जैसे पंजाब और हरियाणा के लिए चंडीगढ़ का एक ही उच्च न्यायालय है। ऐसे कुछ और क्षेत्र हैं जिसका हम विस्तार से बाद में अध्ययन करेंगे। फिलहाल हम जानें कि जहां हमारे टिप पर सर्वोच्च न्यायालय है जो दिल्ली में स्थित है, उसके मातहत 25 अन्य उच्च न्यायालय हैं जो विभिन्न राज्यों में हैं, जरूरी कि राजधानियों में हों, उसके बारे में भी हम बाद में पढ़ेंगे। और इस न्यायालयों के नीचे फिर बहुत सारे जिला न्यायालय आते हैं और जिला न्यायालय के नीचे फिर ग्राम पंचायत आदि आते। ये पूरी जो मशीनरी है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है, प्रशासनिक ढांचा जो है, इसको ओवरसी करना, देखने का काम न्यायपालिका के ही दायरे में डाला गया है। और ऐसा क्यों, ये हम अगले बिंदु में पढ़ेंगे। ऐसा इसलिए, एक शब्द में, स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए। वैसे तो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव काम सभी संस्थाओं के कार्यपालिका देखती है, लेकिन न्यायालय के जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हैं, पदों से हटाने का काम, स्थानांतरण का कार्य, उनकी दैनंदिनी न्यायालयों की जो दिन भर की दिनचर्या, उसका प्रोसीजर, ये सब न्यायालय, न्यायपालिका स्वयं तय करती है, सरकार के इसमें कोई दखल नहीं। तो अन्य विधिक कार्यों की यदि हम बात कर रहे हैं तो उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है न्यायपालिका का। ये सब कामों का संपादन करते हुए न्यायपालिका जो है, अब आप समझ गए होंगे कि कितनी अहम भूमिका निभाती है। और यदि न्यायपालिका ना हो तो कल्पना करिए एक ऐसी व्यवस्था की जिसमें स्वतंत्रता और मूल अधिकारों की सुरक्षा करने वाला कोई ना हो, जिसमें दो लोगों के विवाद, दो राज्यों के बीच के विवाद, राज्य केंद्र के बीच के विवादों का निपटारा करने के लिए कोई ना हो, आदि आदि। संविधान या कानूनों की व्याख्या करने वाला कोई अंतिम वाक्य ना हो, अंतिम कोई जो बोलना चाहिए अधिकृत व्यक्ति या संस्था ना हो, तो ऐसी स्थिति में कितनी अव्यवस्था हो जाएगी, ये कल्पना के बाहर की बात है। महत्व को जानने के बाद अगला बिंदु है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, संभवतः इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। क्योंकि यदि न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं
तो न्यायपालिका न्याय कर नहीं सकती। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को समझने के लिए हमें समझना होगा कि इसके मायने क्या हैं। स्वतंत्र देश समझ में आता है, एक देश स्वतंत्र है अर्थात कोई अन्य सत्ता उस पर शासन नहीं कर रही, कोई अन्य देश उस पर शासन नहीं कर रहा, यानी देश के लोगों की ही अपनी सरकार है, देश के लोगों की ही अपनी पूरी व्यवस्था है आदि आदि। लेकिन जब हम स्वतंत्र देश की बात करते हैं तो एक शब्द और आता है बातचीत के दौरान, और वह है सार्वभौमिकता। आपने पढ़ा होगा ये शब्द प्रारंभ में बार बार शुरू के अध्यायों में आया है, सार्वभौमिकता। एक देश स्वतंत्र है और वह देश सार्वभौम है, ये दोनों में थोड़ा अंतर है। स्वतंत्र देश होना अर्थात किसी का दास न होना, किसी के मातहत न होना, अपने स्वयं का शासन होना, स्वराज जिसे हम कहेंगे, अपने स्वयं का शासन। और सार्वभौम का अर्थ क्या है? जहाँ पर उस देश के लोग, उस देश की सरकार हर मामले में किसी भी तरह का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, उस पर किसी अन्य देश का दबाव नहीं हो, किसी अन्य देश का दबाव न हो, अर्थात पूरी तरीके से किसी भी तरह का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होना, यह सार्वभौमिकता, सॉवरेंटी। न्यायालय के मामले में यही सॉवरेंटी शब्द का हम उपयोग कर सकते हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी के मायने ये हैं कि जैसे एक देश पर किसी अन्य देश का किसी भी तरह का दबाव ना होना उसकी पूर्ण स्वतंत्रता का परिचायक है, उसी तरह न्यायपालिका पर सरकार के अन्य दो अंगों का दबाव ना होना न्यायपालिका की पूर्ण स्वतंत्रता का परिचायक है। तीन अंग जो हैं उसमें से व्यवस्थापिका और विधायिका किसी भी तरीके से न्यायपालिका को नियंत्रित ना कर रही हों, इसे हम कहते हैं पूर्ण स्वतंत्रता न्यायपालिका की। न्यायपालिका का जो भी निर्णय होगा वह निर्णय पूर्ण रूपेण स्वतंत्र होगा। न्यायपालिका को इस बात की कतई चिंता नहीं होनी चाहिए कि उसके किसी निर्णय से कार्यपालिका या विधायिका खुश होगी या नाखुश होगी, प्रसन्न होगी या अप्रसन्न होगी। अर्थात व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को संतुष्ट करने की चिंता न्यायपालिका को कतई नहीं होनी चाहिए, और यदि ऐसी स्थिति है तो कमोबेश इसे ही हम स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थिति कहते हैं। न्यायपालिका का काम कानूनों की व्याख्या करना और उसके अनुसार उचित और निष्पक्ष न्याय प्रदान करना, कानूनों की व्याख्या करना और व्याख्या के अनुसार उचित और निष्पक्ष न्याय देना, ये उसका काम है। कानून की व्याख्या करते समय उस पर सरकार का दबाव ना पड़े, कानून की व्याख्या करते समय उस पर सांसदों का दबाव ना हो, कोई निर्णय देते समय किसी मामले में, चाहे वह मामला केंद्र बनाम राज्य का झगड़ा हो, चाहे वह मामला केंद्र के किसी मंत्री बनाम किसी व्यक्ति का हो, तो न्यायपालिका को इस बात का कतई भय नहीं होना चाहिए कि यदि उसका निर्णय
केंद्र के पक्ष में नहीं गया, मंत्री के पक्ष में नहीं गया, तो न्यायपालिका का हाल बेहाल हो जाएगा। ऐसी चिंता न्यायपालिका को नहीं होनी चाहिए। और ये कब संभव है? जब न्यायपालिका पूर्ण रूपेण सभी निर्णयों लेने के लिए सभी दृष्टि से स्वतंत्र हैं। न्याय प्रदान करने के लिए बिना किसी दबाव के स्वविवेक का प्रयोग करने में जो सक्षम हो वही स्वतंत्र न्यायपालिका कहलाएगी। इतना समझाने के बाद अब आप समझ गए होंगे स्वतंत्रता और न्यायपालिका के बीच का क्या संबंध है। यदि न्यायाधीश किसी अन्य सत्ता के अधीन रह के काम कर रहा है या किसी राजनीतिक दल के दबाव में निर्णय दे रहा है तो क्या वह स्वतंत्र निर्णय होगा, उचित निर्णय हो सकता है, निष्पक्ष न्याय होगा? नहीं। इसलिए जरूरी है कि ऐसी स्थिति निर्मित की जाए जिसमें न्यायाधीश को किसी भी तरह का भय ना हो, भय से परे हो। किस बात का भय? स्थानांतरण का भय, निर्णयों को बदलने का, निर्णयों को अपने पक्ष में कराने का भय, उसकी जो सर्विस कंडीशंस हैं, सेवा शर्तें जो हैं उसकी, उसको गिराने का भय, कम करने का भय, उसमें किसी तरह से नुकसान पहुंचाने का भय, आदि आदि। यदि न्यायाधीशों को इस तरीके से भय से मुक्त कर दिया जाए तो निश्चित रूप से न्यायाधीश या न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य करेगी, वैसा कार्य करेगी जैसा संविधान से अपेक्षित है। कानून की व्याख्या किसी के दबाव में ना करके कानून की व्याख्या संविधान के अनुसार जैसी होनी चाहिए वैसा करेगी। न्यायपालिका की स्वतंत्रता निष्पक्ष न्याय की सबसे बड़ी जरूरत है। और न्याय तो वही न्याय कहलाएगा जो निष्पक्ष हो। यदि निष्पक्ष नहीं है तो फिर वो न्याय नहीं है, तब वो निर्णय है। तो न्याय के लिए जरूरी है कि निष्पक्ष हो, और निष्पक्ष न्याय के लिए जरूरी है कि न्यायपालिका स्वतंत्र हो। वास्तव में न्यायपालिका ही निष्पक्ष न्याय और जनता के अधिकारों की रक्षा का सबसे बड़ा आश्वासन है। स्वतंत्र न्यायपालिका जो है उसकी छत्र छाया में ही जनता कार्यपालिका के अत्याचारों से बचती है। यदि हम स्वतंत्र न्यायपालिका ना रखें या ऐसा संवैधानिक प्रावधान ना हो तो कार्यपालिका के अधिकारी या कार्यपालिका जिसमें राजनीतिक कार्यपालिका बहुत ताकतवर होती है, मंत्रिपरिषद, इससे जुड़े हुए लोग न्यायाधीशों पर सतत दबाव बनाएंगे निर्णयों को अपने पक्ष में देने के लिए। ऐसे में क्या होगा? इनका अत्याचार होगा जनता पर, नागरिकों पर, इस उनके अधिकारों का हनन होगा। तो इस सब से सुरक्षित रखने के लिए जनता को, न्यायपालिका को स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। संघात्मक प्रणाली की बात करें तो जो राज्य हैं उनकी स्वतंत्रता को बनाए रखना बहुत जरूरी है। संघात्मक प्रणाली में हमने अध्ययन किया था कि जो विषय क्षेत्र हैं, कार्य क्षेत्र के जो दायरे हैं, स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं। कुछ मामलों में केंद्र को ज़्यादा ताकतवर रखा गया है ताकि देश की अक्षुण्णता पर किसी भी तरह के खतरे की गुंजाइश न रहे। कई बार ऐसा होता है कि केंद्र राज्य पर बहुत हावी होने लगता, और यदि न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है और राज्य सरकार उनके इस व्यवहार से नाखुश होते हुए यदि सर्वोच्च न्यायालय जाती है
और न्याय की मांग करती है, तो ऐसी स्थिति में एक परतंत्र न्यायपालिका उचित न्याय नहीं दे पाएगी। इसलिए न्यायपालिका को स्वतंत्र होना और जरूरी है जहां पर संघात्मक प्रणाली हो। अन्यथा यदि ऐसा नहीं होगा तो जो राज्य हैं वे एक तरीके से केंद्र के पिछलग्गू के रूप में ही लगातार कार्य करते रहेंगे और ऐसे में केंद्र सरकार का एक अधिनायकवादी रूप सामने आ सकता है। इस अधिनायकवादी रूप के दुष्परिणाम कुछ इस तरह हो सकते हैं कि राज्यों की जो क्षेत्रीय स्वतंत्रता है, चाहे उनकी परंपराएं, चाहे उनकी बोली, चाहे उनकी संस्कृति आदि आदि, इस पर बहुत चोट पहुंचेगी। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के महत्व को डॉक्टर गार्नर ने कुछ इस तरह लिखा है, यदि न्यायाधीशों में सत्यशीलता और निर्णय की स्वतंत्रता का अभाव है तो न्यायपालिका का संपूर्ण ढांचा खोखला और उच्च उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। उस उद्देश्य की भी पूर्ति नहीं होगी जिसके लिए व्यवस्थापिका और कुशल कार्यपालिका है। परंतु एक स्वतंत्र न्यायपालिका यदि हो, एक निष्पक्ष न्यायपालिका यदि हो, तो उसके रहते हुए कार्यपालिका और व्यवस्थापिका निरंकुश नहीं हो सकते। बिना स्वतंत्र न्यायपालिका के संविधान का कोई महत्व नहीं, ऐसा डॉक्टर गार्नर स्पष्ट अपनी पुस्तक में लिखते हैं। इसी प्रकार कैंट ने भी स्पष्ट कहा है कि अधिकारों की रक्षा के लिए यदि कोई स्वतंत्र न्याय विभाग नहीं है, अधिकारों की रक्षा के लिए यदि कोई स्वतंत्र न्याय विभाग नहीं है तो शासन व्यवस्था नष्ट हो जाएगी, अथवा शासन के अन्य विभाग इतने ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे कि नागरिक स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। और जब नागरिक स्वतंत्र नहीं हैं, नागरिक गुलाम हो चले हैं शासन के, तो ऐसी स्थिति में शासन व्यवस्था गैर कानूनी होगी। इस प्रकार हम ये देख मान सकते हैं कि किस प्रकार न्यायपालिका की स्वतंत्रता देश के लिए बहुत अहम है। न्यायपालिका का महत्व और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की आवश्यकता, दोनों अलग अलग मुद्दे। पहले में ये स्पष्ट किया गया कि न्यायपालिका जरूरी है क्या, और ये साबित करने के बाद कि हाँ, न्यायपालिका अत्यावश्यक है, खासकर लोकतांत्रिक प्रथा में, उसके बाद हमने समझा कि कैसी न्यायपालिका उचित है, वैसी जिसे हम स्वतंत्र माने। परतंत्र न्यायपालिका के कोई मायने नहीं, ये समझ लिया। अब कैसी स्थितियां निर्मित की जाए कि न्यायपालिका स्वतंत्र रहे, अर्थात न्यायपालिका के स्वतंत्र होने हेतु क्या उपाय किए जाएं, मींस फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, क्या उपाय हैं, किन तरीकों से सुनिश्चित किया जाए कि न्यायपालिका व्यवस्थापिका से या कार्यपालिका के दबाव में कतई ना आए। कैसे सुनिश्चित किया जाए कि ऐसी स्थिति निर्माण ही ना हो, निर्मित ही ना हो, जिसमें व्यवस्थापिका या कार्यपालिका से जुड़े हुए लोग न्यायपालिका पर आंख उठाने लगे, न्यायपालिका पर दबाव बनाने लगे। तो न्यायपालिका के लिए यदि स्वतंत्रता सुनिश्चित करनी है तो सबसे पहले जरूरी है उसके न्यायाधीशों की योग्यता। बहुत योग्य न्यायाधीश होने चाहिए।
मैंने आपको बताया कि जैसे ही देश का संविधान लागू हुआ 1950 में, बस उसी समय से संविधान की व्याख्या को लेकर भी बहुत से सवाल उठने लगे। और व्याख्या का चूंकि अंतिम पायदान सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों पे महती जिम्मेदारी आ गई कि संविधान की व्याख्या सही रूप में करें। अर्थात प्रारंभ से ही न्यायाधीशों का बहुत कुशल होना, कानूनवेत्ता होना जरूरी हो गया। न्यायपालिका के स्वतंत्रता के लिए बहुत जरूरी है कि न्यायाधीशों के पद ऐसे सुयोग्य, ऐसे व्यावहारिक कुशल धारी कानूनवेत्ताओं को ही बनाया जाए जो ईमानदार हों, निष्पक्ष हों, निष्ठापूर्वक अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह कर सकें, दबाव को सहने की, दबाव को रेजिस्ट करने की क्षमता रखते हों। धन का प्रलोभन और अन्य किसी तरीके के लाभ के बदले वह न्यायपालिका की स्वतंत्रता को ज़्यादा अहमियत देते हों। तो पहले तो न्यायाधीशों की योग्यता बहुत ज़रूरी है। दूसरा, नियुक्ति। न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनको पदच्युत, नौकरी से हटाने का अधिकार और नौकरी में लाने का अधिकार सरकार को यदि दे दिया जाए, तो नौकरी में लाने के बाद, नौकरी में आने के बाद या न्यायाधीश बनने के बाद, न्यायाधीश सतत रूप से सरकार के प्रति उपकृत रहेगा और साथ ही साथ संभवतः स्थानांतरण या अन्य कारणों के दबाव में, के भय से, पद से हटाए जाने की संभावना के भय से वह सरकार की सतत रूप से हाँ में हाँ मिलाते हुए उनके पक्ष में निर्णय देगा। ऐसा ना हो ये सुनिश्चित करने के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था करना जरूरी था जिसमें पदच्युत करने का भय न्यायाधीशों को ना हो। न्यायाधीशों को नियुक्ति के लिए ऐसी व्यवस्था अपनानी जानी चाहिए जिसमें कि राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सांप्रदायिक दल या आंदोलनों से जुड़े हुए किसी भी रूप में व्यक्ति या भ्रष्ट, भ्रष्टाचारी, अयोग्य, इनको न्यायाधीश न बनाया जाए। अर्थात न्यायाधीश बनाने के लिए बहुत कड़ी अर्हताएं और पात्रताएं रखी जाएं, इतनी कड़ी कि जिसमें ये भी शामिल हो, ये भी स्पष्ट दिखाई दे कि इस व्यक्ति का झुकाव किस तरीके के मुद्दों पर है, वे मुद्दे देश के लिए कितने हितकारी हैं, आंदोलनों से उसका संबंध ना हो, उसके साथ ही साथ वह भ्रष्ट स्वयं ना हो और ना ही भ्रष्ट लोगों के साथ जुड़ा हुआ हो, दुराचारी स्वयं ना हो और ना ही दुराचारियों के साथ उसका किसी प्रकार से संबंध ना हो। इसके लिए न्यायाधीशों का ना तो निर्वाचन हो और ना ही उनकी नियुक्ति राजनीतिक विचारों के आधार पे हो। निर्वाचन ना हो ये तो तय हो गई बात, इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन अब नियुक्ति जो करते हैं अर्थात सरकार का वह अंग जिसमें राष्ट्रपति शामिल हैं, नियुक्त करते हैं, ये लोग स्वयं राजनीतिक विचारधारा से ढले हुए होते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वे अपनी विचारधारा से जुड़े हुए लोगों को ही न्यायाधीश बना रहे हों? और यदि ऐसा होता है तब फिर स्वतंत्रता या न्यायपालिका के स्वतंत्रता के कोई मायने नहीं रह जाते। तो इसलिए सुनिश्चित करना होगा कि न्यायाधीशों का ना निर्वाचन हो, ना उनकी नियुक्ति
राजनीतिक विचारों के आधार पर हो। दूसरे शब्दों में न्यायाधीशों का निर्वाचन न जनता द्वारा और न ही व्यवस्थापिका द्वारा, क्योंकि व्यवस्थापिका राजनीतिक विचारों से प्रभावित रहती है, वरन उनकी व्यक्ति योग्यता एवं गुणों के आधार पर हो। बस चारित्रिक गुण और योग्यता, ये दो ही पैरामीटर्स न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए पर्याप्त माने जाएं। कार्यपालिका को सर्वमान्य न्यायिक योग्यताधारी व्यक्तियों या स्थायी नागरिक समिति के परामर्श को विशेष महत्व देना चाहिए। नियुक्ति की उचित व्यवस्था के मायने यही हैं कि वह राजनीतिक सोच से बाहर हो, राजनीतिक बंधन से बाहर हो और साथ ही साथ जनता के द्वारा निर्वाचित न हो। तीसरा तरीका जिससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा सकता हुआ है दीर्घकालीन पदावधि। दीर्घकालीन पदावधि के मायने हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए जरूरी है कि न्यायाधीशों की जो पदोन्नति है या न्यायाधीशों का जो पोस्टिंग है, उनका जो कार्यकाल है, वो पर्याप्त लंबा हो। ऐसा नहीं कि हर 6 माह, 1 साल, 1.5 साल में न्यायाधीश बदल रहे हों। तो पहली जरूरत तो ये, लंबे कार्यकाल का मौका उनको मिले न्यायाधीश के नाते तो बेहतर होगा स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए। दूसरा, सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं, इस पर कुछ बिंदु हैं। लेकिन ये भी जान लें कि सेवा नियुक्ति होने की निश्चित आयु तक उन्हें पद पर बने रहने दिया जाए, अर्थात ऐसे कोई भी कारण न तैयार हों जिससे उन्हें सेवा निवृत्ति की अधिकतम आयु से पूर्व ही हटाया जाए। यदि सामान्य परिस्थितियों में उन्हें लगातार इस बात का डर रहेगा कि कार्यपालिका हमें पद से हटा सकती है, हमें आर्थिक नुकसान पहुंचा सकती है, तो अपनी आजीविका की चिंता से वे मुक्त नहीं होंगे। लंबे समय तक कार्य करते रहने का उन्हें यदि आश्वासन मिलता है, आश्वासन इस रूप में कि बचे हुए कार्यकाल को वे पूरा करने की गारंटी उनको मिलती है, तो वे अपने आजीविका की चिंता किए बिना उससे मुक्त होकर स्वतंत्रतापूर्वक न्याय कर सकते हैं। अन्यथा न्यायाधीशों के भी परिवार हैं, परिवार के खर्च का वहन उठाने का दारोमदार न्यायाधीशों पर तो है ही, और यदि उनके मन में ये भय रहेगा पद से हटाए जाने का, किसी तरीके से कार्यपालिका द्वारा उन्हें परेशान किए जाने का, तो फिर वो सतत रूप से दबाव में रहेंगे। आर्थिक समस्या का भय उन्हें हमेशा सताता रहेगा, इसलिए जरूरी है कि उन्हें लंबे समय तक कार्य करने का आश्वासन मिले। अल्पकालीन पोस्टिंग, बार बार पुनर्नियुक्ति की संभावना, हर 6 माह में एक्सटेंशन मिलने की संभावना, उससे क्या होता है कि न्यायाधीश जो है वो तटस्थ नहीं रहता, न्यूट्रल नहीं रहता, स्वतंत्र होकर काम नहीं करेगा, और ऐसी स्थिति में अपने कार्य को वह निष्पक्ष रूप से संपादित भी नहीं कर पाएगा। कई बार ऐसा देखा गया कि कई अन्य क्षेत्रों में 6-6 माह या 1-1 वर्ष का कार्यकाल बढ़ाया जाता है। ऐसी स्थिति में जिसका कार्यकाल बढ़ाया गया वह सतत रूप से कार्यपालिका पर निर्भर रहता है, उपकृत रहता है, और इस उपकृत होने की भावना से ग्रसित रहने पर वह स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाता। कमो न्यायाधीशों के साथ ऐसी स्थिति ना हो, इसलिए ऐसा करना चाहिए प्रावधान
जिससे कि लंबे से लंबे समय तक अपने कार्यकाल में बिना किसी भय के कार्य कर सके। चौथा तरीका जिससे कि जुडिशरी की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया जा सकता हुआ है, पद की सुरक्षा। पद की सुरक्षा के क्या मायने हैं? न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए पदों की सुरक्षा के मायने ये हैं कि शारीरिक या मानसिक असमर्थता या दुराचरण सिद्ध हो जाने की स्थिति में ही उन्हें हटाया जाएगा। बस ये बात स्पष्ट यदि कर दी जाए कि आप शारीरिक रूप से अक्षम हो गए हैं या मानसिक रूप से असमर्थ हैं अब, और या किसी तरह का दुराचरण किसी न्यायाधीश ने किया हो, तब उसे पद से हटाया जाए। अन्यथा अन्य किसी अन्य कारणों को लेकर उन्हें पदच्युत न किए जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। ये जो व्यवस्था है मानसिक या दुराचार या इसके अलावा शारीरिक अक्षमता के आधार पर, इस व्यवस्था के आधार पर हटाने की व्यवस्था को भी थोड़ा कठोर किया जाए। इतना सरल ना हो कि किसी पर शारीरिक अक्षमता का लांछन लगा के या दुराचार का आरोप लगाकर उसको हटा दिया जाए। संक्षिप्त में, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि सरकार के जो दो अन्य अंग हैं अर्थात विधायिका और कार्यपालिका, वे किसी भी प्रकार से न्यायपालिका की कार्यशैली में बाधा ना पहुंचाएं। सरकार के ये अंग न्यायपालिका के निर्णयों में हस्तक्षेप ना करें और उसे बिना किसी भेदभाव के अपना कार्य करने का अवसर देते रहें।